नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी कहिए। हाँ सर, मैं BRMJS मेंबर बोल रहा हूँ। जी कहिए सर, उड़ीसा का क्या हुआ सर, को न्यूज़ है क्या उड़ीसा? हाँ, उड़ीसा में पूरे भारत का अब शिफ्टिंग की बात पूरा जोर शोर पे चल रहा है, हो रहा है ना। जी सर। जिसका जिसका डाटा, जो जो माल गोदामों का डाटा कंप्लीट हो गया है, जी सर, उस माल गोदामों में या तो रिहर्सल किया जा रहा है, इसको रिहर्सल बोलिए या ट्रेनिंग बोलिए या वॉट एवर में भी शुरुआत हो चुका है। जी सर। लेकिन उन्हीं का शुरुआत हुआ है जिसका लिंक हुआ है। जिसका लिंक नहीं हुआ, जिसका QR कार्ड नहीं है, जिसका ई श्रम कार्ड नहीं है, उन लोगों को मौका नहीं दी मिलेगा। चाहे वो ठेकेदार के अंदर में अभी माल गोदाम में काम कर रहा हो और उसका QR कार्ड नहीं बना है, तो उसका वो स्वतः हट जाएगा रेलवे से। ये सर, ये सर। इसलिए 30 तारीख का लास्ट डेट, 30 मार्च तक का लास्ट डेट दे दिया गया है, ये सर, वार्निंग के रूप में हमारे महामंत्री के द्वारा, कि 30 तारीख तक अगर कोई लिंक नहीं कराता है तो ये माना जाएगा कि आप इस यूनियन से रुचि नहीं रखते हैं। ये सर, ये सर। और उन लोगों को किसी प्रकार का लाभ जो मिलने वाला है, जो पॉलिसी के तहत हम लोगों को मिला है, जो प्रपोजल के तहत मिला है, वो लाभ नहीं मिलेगा। स्पष्ट तौर पे लिख दिए हैं। इसलिए जितने लोग लिंक कराने सक रहे करा ले, नहीं करा पा रहे इमीडिएटली मैं ईमेल भेजा हूँ, उसमें ईमेल भेजेंगे, क्यों नहीं हो रहा है पूरा डिटेल लिखेंगे, अपना लीडर का नाम भी लिखेंगे अगर संभव है तो, क्यों नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उससे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, हटाया भी जा सकता है उसको, है ना। अभी स्ट्रिक्ट हो गए हमारे महामंत्री जी। ये सब टेक्निकल चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी माल गोदामों में जितने संख्या की जरूरत है उतना लोग लिंक करा के रिहर्सल करना शुरू कर दे, अभी से ही रिहर्सल व्यायाम करना शुरू कर दे कि हम लोग ऐसा काम करेंगे, दिखाना शुरू कर दे। क्योंकि यही सवाल जो है भारत सरकार ने हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से पूछा था कि आप हैंडल कैसे करिएगा, इतना बड़ा रेलवे है, छोटा मोटा तो है नहीं, कैसे करिएगा। तो उन्होंने प्रपोजल बनाया, अभी अभी एक ऑडियो मैंने शेयर किया है टेलीग्राम में, उनको भी मैं यही बात बताया है ना। तो उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने बहुत बड़ा प्रपोजल, कम से कम 10-12 पेज का प्रपोजल उन्होंने बना के भारत सरकार को दिए थे आज से कई साल पहले, और उसके एवज में पॉलिसी बन के आया है, और वो अप्रूव्ड पॉलिसी है, अप्रूव्ड पॉलिसी। और वो धीरे धीरे, जब तक हम लोग जितने माल गोदाम है सभी जगह में जितनी संख्या है उतनी संख्या है रिहर्सल के तौर पर शिफ्टिंग ना हो, मतलब वहां काम स्टार्ट ना कर दे, तब तक वेतनमान स्टार्ट नहीं करेगा भारत सरकार। क्योंकि अगर झारखंड में शिफ्टिंग हो गया, मान लीजिए, अच्छा से समझिए, तो यहां से गाड़ी चल के गई उड़ीसा, है ना, कोयला लाद के गई, दोनों राज्यों में कोयला मिलता है, मान लीजिए यहां से गई कोयला, कोयला को वहां अनलोडिंग कौन करेगा उड़ीसा में, गोदाम में ठेकेदार, ठेकेदार का वो लोग तो नहीं करेगा, क्योंकि तीन शिफ्ट में काम होगा। यस सर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो झारखंड में हो रहा है तो बिहार में भी होगा, उड़ीसा में भी होगा, जम्मू कश्मीर में भी होगा, क्योंकि ट्रेन तो रुकेगी नहीं ना, वो तो चलती रहेगी। आपका झारखंड से निकला, उड़ीसा गया, उड़ीसा से फिर जम्मू कश्मीर चला गया, तो जम्मू कश्मीर का आदमी वहां रहेगा, उतारने के लिए रहेगा तब ना। तो इस रूप में, इस दृष्टिकोण से देखें तो सभी राज्यों में जितने जरूरत है उतने लोगों का अभी होना जरूरी है, लिंक करा के, जिसका जिसका लिंक रहेगा उसी को भारत सरकार शिफ्टिंग करेगा, जिसका नहीं रहेगा। मान लीजिए अभी माल गोदाम में ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है, बड़ा ताव से कर रहा है, मुझे तो ठेकेदार पैसा दे रहा है भैया, लेकिन कल के डेट में ये पॉलिसी लागू हुआ और वो जो मजदूर वहां काम कर रहा है उसका QR कार्ड नहीं है, ई श्रम कार्ड भी नहीं है, तो उसको स्वतः वहां से हटा दिया जाएगा। ये भी एक वार्निंग है, ये वार्निंग कोई नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, कानूनी दृष्टि से हट जाएगा। ये सर, ये सर हो जाएगा, आपको नॉलेज है क्या? 1-2 महीना बोला जा रहा है ना, वही लगभग हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा क्या? हाँ, और बहुत अप्रैल आसपास हो जाना चाहिए, चुनाव का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ सकता है इम्पैक्ट, क्योंकि ट्रेन तो रुकेगी नहीं, बहुत लोग बोलता है चुनाव प्रभाव करेगा, अच्छा प्रभाव कर, COVID-19 तो प्रभाव नहीं कर पाया हम लोगों का, मजदूर को चुनाव कौन सा, किसका हस्ती है चुनाव? हमारा राष्ट्रीय प्रभारी वो भी बोल रहा है कि इलेक्शन के हमको कोई भी लेना देना नहीं, ये सर, ये सर। तो कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन पे, इलेक्शन। अरे जो गाड़ी आ जा रही है ना, मान लीजिए मैं रांची से आपका राउरकेला तक कोयला लदवा के यहाँ डाल के आपके यहाँ तक भेजा, और उस माल ट्रेन के माध्यम से हम लोगों को 50 करोड़ का इनकम जनरेट करके हमने